Atul Subhash, a 34-year-old tech professional, was found hanging in his home in Bangalore a few days ago. Prior to his suicide, he recorded a 90-minute video that has now gone viral. He accused his wife and her family of harassment, alleging that his wife demanded 3 crores as alimony and denied him access to their child. Atul also criticized the legal system, calling it biased, and made serious allegations against a judge in Jaunpur. He claimed that the judge demanded 5 lakh as bribe, which he refused to pay, choosing death instead. His death, well, has sparked a broader discourse about the misuse of laws, systemic corruption, and the societal pressures faced by men in family disputes. Now his parents are seeking justice. His mother stated that Atul was tortured to an unbearable extent. Overwhelmed with emotion, his parents shared their ordeal with the media. When asked if they believed it was murder, his father replied that torturing someone is the same as killing them. And on Bangalore techie suicide, deceased victim's advocate Dinesh Mishra has said, and I quote, "We have handled multiple cases for Atul Subhash Modi, including maintenance case, domestic violence and a divorce case filed by his wife under Section 498A. Let's in fact listen into what he said. वो हम लोगों का क्लाइंट था और हमारे यहाँ 125 का मुकदमा मेंटेनेंस का हमारी सीट से देखा जाता था, खास करके अवधेश तिवारी हमारे जूनियर हैं, शैलेश शर्मा हैं, वो लोग बराबर हमारे निर्देश पे पैरवी करते थे। सर, क्या मामला था और क्या मुकदमा दर्ज था और क्या स्टेटस, क्या मुकदमा बेसिकली देखा जाता था? देखिए, तमाम मुकदमे उसने कर रखे थे उनकी पत्नी ने, अतुल सुभाष के, और 498 डाइवोर्स का भी एक मुकदमा किया गया था, डोमेस्टिक वायलेंस का भी मुकदमा था, और 125 का जो मुकदमा चल रहा था तो वो हम लोग देख रहे थे। और 125 के मुकदमे में 29 जुलाई 2024 में फैसला हो गया था। फैसले में क्या हुआ था और किस तरीके का वो फैसला था? देखिए, वो फैसला मेंटेनेंस का था, जो कि पत्नी को तो कोई मेंटेनेंस नहीं दिया गया था, क्योंकि पत्नी कमा रही थी, और उसके लड़के, माने अतुल के लड़के व्योम के लिए, जो अपनी मां के साथ रहता था, ये बताया गया, तो उसके फेवर में 40,000 रूपये प्रति माह का आदेश किया गया था। अभी क्या कोई केस जौनपुर से संचालन हो रहा है या जौनपुर में कोई केस चल रहा है इस विवाद से रिलेटेड? देखिए, और मुकदमे 498 वगैरह के और इन सब के मुकदमे हैं, लेकिन उसकी पैरवी, उसके लिए कोई लीगल राय हम लोगों से, उसके घर वालों ने नहीं लिया था, और जून के बाद से उससे हमारी कोई मुलाकात या बातचीत नहीं होती रही। जून के बाद से? जी। बातचीत में आपको लगा कभी ऐसा कि अतुल किस तरीके का मेंटली हैरासमेंट अतुल के साथ हुआ है या कुछ ऐसी चर्चाएं? देखिए, जिस समय ये मुकदमा चल रहा था, उस समय और उसके दरमियान में निश्चित रूप से वह बहुत दुखी इस बात को लेके था कि उसकी पत्नी उसके बच्चे से बिल्कुल बात नहीं करने देना चाहती थी। वो बार बार चाहता था कि भाई बच्चे से हम बात करें। उसकी कोशिश यह भी थी कि अगर दूर पे हैं तो वीडियो कॉलिंग के जरिए मैं अपने बच्चे से बात कर सकूं, लेकिन इन सब चीजों के लिए जो है उसकी पत्नी जो है बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो बात करे, और इस बात को लेकर वो बहुत दुखी था। बात की जाए, अगर जो जिस तरीके का FIR सामने पे लॉज है, बेंगलुरु में भी लॉज है, उसमें क्या सजा है और किस तरीके की सजा हो सकती है और क्या साबित होना है? देखिए, मेरे पास तो अभी FIR नहीं आया है, मैंने 306 का मुकदमा किया है, दैट इज अबेटमेंट टू सुसाइड। तो निश्चित रूप से अगर उसने लिखा है तो ये विवेचना का विषय है, और ये हम लोगों की जो जानकारी में उस समय था, क्योंकि काफी दिन हो गया, जून से लेके अभी मेरे ख्याल से 3 दिन पहले उसने सुसाइड किया है, इसके बीच में हम लोगों से कोई बातचीत या कोई ऐसा उसके टेलीफोनिक बात नहीं हुई है। Belly is joining us with the latest on this matter. Belly, if you can hear me. Belly Thomas, if you can hear me. All right, there seems to be an error or a connection issue with Belly, but of course this case has caught the attention of the entire nation. A 34-year-old
man had committed suicide, saying that he was systematically and continuously and incessantly tortured. He had to take flights to Jaunpur almost every other day to plea and fight this case, which he felt was unnecessary and biased towards the girl's side, as well as the unfounded accusations that were made on him. He continued to pay alimony, but he denied paying any kind of a bribe, and hence the torture that he ensued. In fact, let's go in and listen into what the advocate had to say. Atul Subhas Modi, वो हम लोगों का क्लाइंट था और हमारे यहाँ 125 का मुकदमा मेंटेनेंस का हमारी सीट से देखा जाता था, खास करके अवधेश तिवारी हमारे जूनियर हैं, शैलेश शर्मा हैं, वो लोग बराबर हमारे निर्देश पे पैरवी करते थे। सर, क्या मामला था और क्या मुकदमा दर्ज था और क्या स्टेटस, क्या मुकदमा बेसिकली देखा जाता था? देखिए, तमाम मुकदमे उसने कर रखे थे उनकी पत्नी ने, अतुल सुभाष के, और 498 डाइवोर्स का भी एक मुकदमा किया गया था, डोमेस्टिक वायलेंस का भी मुकदमा था, और 125 का जो मुकदमा चल रहा था तो वो हम लोग देख रहे थे। और 125 के मुकदमे में 29 जुलाई 2024 में फैसला हो गया था। फैसले में क्या हुआ था और किस तरीके का वो फैसला था? देखिए, वो फैसला मेंटेनेंस का था, जो कि पत्नी को तो कोई मेंटेनेंस नहीं दिया गया था, क्योंकि पत्नी कमा रही थी, और उसके लड़के, माने अतुल के लड़के व्योम के लिए, जो अपनी मां के साथ रहता था, ये बताया गया। Belly, my colleague is joining us live at this point in time. Belly, this case has caught the attention of the entire country. What's interesting to see that how, you know, this particular gentleman was tried and tested and tortured by the system and eventually gave in and also ended up taking his own life. Absolutely, Vineet. This case has taken a different turn now, as this techie who have died by suicide and his news being carried like that. The Save Indian Family Foundation is alleging that they are flooded with calls. And most of them, they are saying that they are going through such situations, and they are trying to get counseling, and they are also ready to come and take part in the candlelight vigil that has been organized today in Bengaluru at around 7 p.m. at the EcoSpace, the tech hub in the city of Venice. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.